साउथ अफ्रीका की टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में पहुंच गई है। सेमीफाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। टीम ने 57 रन के टारगेट को महज 53 गेंद में चेस कर लिया। साउथ अफ्रीकी टीम पहली बार किसी भी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। इससे पहले टीम 7 बार सेमीफाइनल में हार कर बाहर हो चुकी है। मैच में साउथ अफ्रीका की जीत के हीरो रहे उनके बॉलर्स मार्को येंसन, तबरेज शमशी, कगिसो रबाडा और एनरिक नॉर्किया के सामने पूरी अफगानी टीम बेबस नजर आई। अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में महज 56 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसे साउथ अफ्रीका की टीम ने महज एक विकेट खोकर 8.5 ओवर में ही इस टारगेट को हासिल कर लिया। कप्तान एडन मार्करम 23 रन और रीजा हेंड्रिक्स 29 रन बनाकर नाबाद रहे। इस मैच में जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं। इस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका की टीम अभी तक अजेय रही है। टीम को की ये लगातार 8वीं जीत है। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान लगातार सबसे ज़्यादा मैच जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलिया की बराबरी कर ली है। ग्रुप स्टेज के दौरान में साउथ अफ्रीका ने ग्रुप डी के मुकाबले में बांग्लादेश, श्रीलंका, नीदरलैंड्स और नेपाल को हराया था, जबकि सुपर एट में भी टीम की जीत का सिलसिला जारी रहा। साउथ अफ्रीका ने इस दौरान इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और यूएसए को मात दी थी। साथ ही साउथ अफ्रीका की T20 में ये सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक भी है। इससे पहले टीम ने साल 2009 और 2021 में लगातार 7 मुकाबलों में जीत हासिल की थी। गेंद के लिहाज से भी साउथ अफ्रीका की ये सबसे बड़ी जीत है। साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान के खिलाफ इस मैच में 67 गेंद बाकी रहते हुए जीत हासिल की। इससे पहले टीम ने साल 2007 में 51 गेंद बाकी रहते हुए पाकिस्तान को हराया था। अब मैच की बात करें तो अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ये फैसला तुरंत ही गलत साबित हुआ। पारी के पहले ओवर में ही रहमानुल्ला गुरबाज पवेलियन लौट गए, वो भी बिना खाता खोले। इसके बाद भी लगातार विकेट गिरते रहे। 23 रन तक अफगानिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। जारदान 2 रन पे, गुलबदीन 9 रन और अजमत उल्ला 10 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मोहम्मद नबी का खाता तक नहीं खुला। इसके बाद भी कोई प्लेयर पिच पर टिककर नहीं खेल सका। करीम जनत और राशिद खान ने 8-8 रन की पारियां खेली, जबकि नवीन उल हक ने 2 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए मार्को येंसन ने 16 रन देकर सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिए, जबकि तबरेज शमशी ने महज 6 रन खर्च करके 3 विकेट हासिल किए। कगिसो रबाडा और एनरिक नॉर्किया को 2-2 विकेट मिले। अफगानिस्तान का सिर्फ एक बल्लेबाज इस दौरान दहाई का आंकड़ा पार कर पाया। हैरानी की बात यह रही कि पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेल दिखाने वाली अफगान टीम की पारी में सबसे ज़्यादा 13 रन एक्स्ट्रा के तौर पर आए। छोटे टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। 5 रन के स्कोर पर डी कॉक के तौर पर टीम को पहला झटका लगा। हालांकि इसके बाद जो है मार्करम और हेंड्रिक्स ने अच्छी पार्टनरशिप करके टीम को जीत दिला दी। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रविराज। मेरा नाम है विकास वर्मा, देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।